हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द हॉन्टिंग ऑफ क्वीन मैरी। ये मूवी ब्रिटिशर्स के क्वीन मैरी शिप पर बेस्ड है, जो साल 1936 से 1967 के दौरान कैलिफोर्निया के एक लॉन्ग बीच पर चला करती थी। और अब वो शिप वहीं रुकी पड़ी है और लोग उसे एक ऐतिहासिक धरोहर समझ कर देखने के लिए जाते हैं, जो अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए भी फेमस है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते हैं मेरी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1938 के जमाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक शिप देखने को मिलती है जो अपने जल यात्रा के बीचों बीच पहुंच चुकी थी, जिसमें बहुत सारे पॉश लोग यात्रा कर रहे होते हैं। और तभी हम एक डरे हुए क्रू मेंबर को देखते हैं, क्योंकि वहां पर एक तरफ कांच बिखरा पड़ा था और वहां पर हम बहुत सारे लाशों का ढेर देख पाते हैं, जिसे किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया होता है। और शायद इसीलिए उन क्रू मेंबर्स ने एक आदमी को एक जगह पर बांध कर रखा था, लेकिन उसकी मासूम बेटी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इसीलिए वो जाकर अपने पिता को उस कैद से आज़ाद होने में मदद करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे अपने बेटी का नाम तक याद नहीं था, और इसलिए वो उसे कैसेंड्रा नाम से बुलाता है, जबकि उसका रियल नाम जैकी होता है। और जैकी तब डरी हुई थी क्योंकि उसने अपने माँ को घायल अवस्था में देख लिया था, और शायद उसके पिता ने उसकी माँ को बड़ी बेरहमी से मारने की कोशिश की थी। और तभी हम जैकी की माँ ब्वेन को देखते हैं, जो पूरी तरह से घायल थी और पहचान में भी नहीं आ रही थी। और उस वक्त भी वो कुल्हाड़ी उसके पीठ में ही धंसी पड़ी थी, जिससे उसे मारा गया था। और जैसे ही वो उस क्रू मेंबर के सामने आती है, वो भी उसे देखकर डर जाता है। और तभी ग्वेन भी पस्त पड़ जाती है और शायद मर जाती है। और दूसरी ओर वो आदमी अपनी ही बेटी जैकी का गला रेत कर उसे भी मार डालता है। और ये काम कोई इंसान होश हवास में तो करेगा नहीं। और ये सारा क्या मामला था, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और फिर हमें उसे सेम इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक होता है। और तभी एंट्री होती है फैमिली की, जिसमें एक कपल डेविड और उसकी वाइफ ग्वेन और उसकी 8 साल की बेटी जैकी भी मौजूद होती है। और उस फैमिली के बीच आपस में ही पता नहीं क्या खुसर फुसर बात चल रही होती है, जिसमें ग्वेन का हस्बैंड उन पॉश लोगों के बीच में वो ग्रैंड डिनर एंजॉय करना चाहता था, और इसलिए वो किसी की फेक आइडेंटिटी की हेल्प से वहाँ पर पार्टी में एंटर भी हो जाता है, जबकि उन लोगों के लिए वो सुविधा नहीं थी। और पार्टी में एंटर होने के लिए उसने एक कपल के बारे में पता भी किया था, जिसने कुछ ही समय पहले वहाँ पर आने के लिए कैंसिल कर दिया होता है। और डेविड तब उन्हीं की आइडेंटिटी से पार्टी में एंटर हो जाता है। डेविड हमेशा एक हाफ मास्क पहन कर रखता था अपने इंजरी को छुपाने के लिए, जो उसे आर्मी में सर्व करने के दौरान लगी थी। डेविड की वाइफ ग्वेन डेविड को झूठ बोलकर उस ग्रैंड डिनर में एंटर होने से रोकती है, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा। लेकिन डेविड बिल्कुल भी नहीं मानता। अब लकीली उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है और उन्हें एक टेबल भी मिल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक एनी नाम की लेडी को अपने बेटे लुकस के साथ ड्राइव करके कैलिफोर्निया बीच पर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एनी का सेपरेटेड हस्बैंड पैट्रिक भी आने वाला था। और पैट्रिक उस क्वीन मैरी वाली शिप को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है, और ये वही शिप होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और अब वो शिप सिर्फ एक जगह पर खड़ी है, जिसे सब एक ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं, और इसलिए पैट्रिक उस पर बुक लिख रहा होता है। लेकिन लुकस यानी से कहता है कि क्या उस ऐतिहासिक धरोहर का सिर्फ एक बुक लिखना काफ़ी होगा, हमें इसके लिए और भी कुछ बड़ा करना होगा। तब एनी के दिमाग में एक आइडिया आता है, जो वो उस पुराने क्वीन मैरी शिप के कैप्टन से डिस्कस करती है कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है जिससे लोग पूरे शिप का वर्चुअल टूर कर सके, और शिप के आर्किटेक्चर को भी सराहे। और जिस वक्त एनी ये सब कुछ डिस्कस कर रही होती है, लुकस अपने फादर पैट्रिक के साथ होता है, और अब वो सब शिप पर एक गोस्ट वॉक के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर विजिटर्स को शिप के हर चैम्बर और डेप्थ तक ले जाया जाता है, और वहाँ पर उन्हें पैरानॉर्मल हॉन्टिंग्स के बारे में भी बताया जाता है, जो लोग उस शिप में आने के बाद महसूस करते हैं। और तभी दरवाजा बंद होने की वजह से वो अपने फादर से सेपरेट हो जाता है, और तब वो अपना कैमरा लेकर खुद से ही हर जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, और वो शिप में मौजूद हर चीज की फोटोज खींच लेता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो किसी के कदमों की आहट सुनता है, और वो समझ जाता है कि वो अकेला उस जगह पर नहीं है। और लुकस वहाँ पर एक लड़की को देखता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही जैकी होती है। तभी लुकस पर कोई पीछे से आकर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन जैकी लुकस को पुल में खींचकर उसकी जान बचा लेती है। लेकिन क्या वो सचमुच में लुकस की जान बचा रही थी,
या इसके पीछे उसका कोई और मकसद था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूकस फिर से अपने पेरिस के साथ में रीयूनाइट हो चुका है और वो अपने घर लौट जाता है। लेकिन लूकस का आचरण और उसका स्वभाव बिल्कुल बदल चुका था, जो उसकी माँ एनी नोटिस करती है और वो समझ नहीं पाते कि लूकस में इतने सारे चेंजेस कैसे आ गए। और वो लूकस की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी। लूकस के कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और वो उसका जिम्मेदार लापरवाह पैट्रिक को मानती है। घर पहुंचने के बाद एनी को उसे पुराने कैप्टन का फोन आता है, जो उस प्रोजेक्ट के बारे में उसे मंजूरी दे देता है और उन्हें वापस से शिप पर आने के लिए इनवाइट करता है। से शिफ्ट होती है और स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम ग्वेन को देखते हैं जिसे फ्यूचर कार्स देखने का बहुत ही ज्यादा शौक होता है और वो अपना हर काम फ्यूचर कार्स को देख कर ही करती थी। और जैकी को एक्टिंग और डांसिंग का शौक होता है और वो फिल्मों में काम करना पसंद करती थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसे कोई चांस नहीं दे रहा था, जबकि उसमें टैलेंट भरपूर था। और उस वक्त वहाँ पर कुछ एक्ट्रेस वगैरह भी आए हुए होते हैं और इसलिए जैकी उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए जाती है, ताकि वो लोग उसे नेक्स्ट टाइम अपने मूवी के लिए साइन कर ले। लेकिन वो लोग जैकी के साथ कुछ ज्यादा ही एगोलिस्टिक तरीके से पेश आते हैं, इससे जैकी बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर और मिसेस हॉफ की, जिसका आइडेंटिटी लेकर डेविड और उसकी फैमिली ग्रैंड डिनर में एंटर हुई थी। और तब वहाँ के स्टाफ को यह अंदाजा हो जाता है कि डेविड और उसकी फैमिली झूठी है। और उसी वक्त डेविड अपने बेटी जैकी के इंसल्ट के लिए उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। जैसे ही वो बाहर शुरू करता है, तभी उस क्रूज के स्टाफ मेंबर्स वहाँ पर आकर डेविड की पोल पट्टी खोल देते हैं और वो लोग डेविड की बहुत बेइज्जती करते हैं। और नोकझोंक के दौरान डेविड का मास्क भी गिर जाता है और तब सब डेविड का फेस देख लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। सचमुच में यह दर्शाता है कि डेविड आर्मी में पहले सर्व कर चुका था, तो पहले उन लोगों के लिए डाउटफुल था कि क्या डेविड जैसा आदमी आर्मी में हो सकता है, लेकिन उस कार को देखने के बाद सब लोगों को यकीन हो जाता है। और तब वो स्टाफ उन दोनों कपल को वहां से निकाल देता है, लेकिन वो लोग अपनी बेटी को वहीं पर छोड़कर चले आते हैं, ताकि वो अपने टैलेंट से इंप्रेस करके किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। और प्रेजेंट के सीन में पैट्रिक और उसकी वाइफ कैप्टन के बुलाने पर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आ चुके थे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं तब कैप्टन उनसे ज्यादा उनके बेटे लूकस में इंटरेस्टेड रहता है कि वो उनके साथ में क्यों नहीं आया। तब एनी कहती है कि उसके बेटे को इस शिप में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उनके साथ में चलने से मना कर दिया। लेकिन वो कैप्टन से कहती है कि वो दूसरे दिन उसे जरूर लेकर आएगी और वो उस कैप्टन से उस प्रोजेक्ट के लिए भीख मांगती है कि वो उसे उस प्रोजेक्ट को दे दे, क्योंकि उससे उनकी जिंदगी की उम्मीदें बंधी हुई थी। और कैप्टन इसके लिए मान भी जाता है। और कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पर एक डायरेक्टर को जैकी पर दया आ जाती है, क्योंकि उसके फादर आर्मी में सर्व कर चुके थे और वो एक तरह से एक हीरो है सबके लिए, और इसलिए वो जैकी को अपने साथ में डांस करने के लिए बोलता है। और जैकी इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है और इसके लिए मान भी जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम एनी को देखते हैं, जिसके हाथ बहुत ही गंभीर तरीके से घायल हो चुके थे और उसमें बहुत ही ज्यादा सूजन भी आ चुका था। और फिर हमें इसका कारण पता चलता है कि ये सब लूकस की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले रात को लूकस कुछ और बिहेव करने लगा था कि जैसे वो लूकस हो ही ना। और एनी जब कमरे में आती है तब उसे खिड़की से बाहर लटका हुआ पाती है। तब लूकस उससे कहता है कि वो दोबारा कभी शिप पर नहीं जाएगा और शिप में उसे घुटन होती है। और लूकस के नाम से बुलाने पर वो कहता है कि उसका नाम लूकस नहीं है बल्कि जैकी है। और एनी जब उसे अंदर खींचने के लिए जाती है, तभी झटके से खिड़की बंद हो जाती है और वो वहां से नीचे गिर जाता है और पता नहीं कि वो जिंदा बचा या मर गया। और इसी वजह से एनी का वो हाथ घायल हो चुका था। और एनी जब रात में सो रही होती है, तभी उसके फोन के अंदर से एक हाथ निकलता है जो उसका गला दबोच लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से चोक करने लगता है। लेकिन एनी हिम्मत करके एक पेन को उस हाथ में घुसा कर खुद को आजाद कर लेती है, लेकिन असलियत में उसने अपने ही हाथ में उस पेन को घुसा कर खुद को ही घायल कर लिया था। और उसे तब बहुत ही ज्यादा दर्द का आभास होता है। और तभी वो वहाँ पर बहुत सारी लाशों को भी देखती है जो उसे हॉन्ट कर रहे होते हैं। और तभी पैट्रिक भी वहाँ पर आकर पहुंच जाता है, जो उसे और भी ज्यादा डरा देता है। और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम डेविड को अकेले एक स्विमिंग पूल के पास घूमते हुए देखते हैं। और उसी समय हम क्रूज के कैप्टन कैरेडिन को देखते हैं, जो अपने बाकी के क्रू मेंबर्स के वार्निंग को इग्नोर करते हुए शिप के रिसोर्सेज को तादाद से ज्यादा यूज करने के लिए बोलता है, ताकि शिप अपने मैक्सिमम स्पीड से चलती जाए। तब हाई प्रेशर पड़ने की वजह से पाइप फट जाते हैं और एक सेलर की वहीं पर मौत हो जाती है। और उसी वक्त डेविड, जो स्विमिंग पूल के आसपास ही था, वो अचानक से पॉजेस हो जाता है
और वो एक बहुत ही बेरहम कातिल बन जाता है, जो पहले अपने वाइफ के कमरे में आता है एक भारी कुल्हाड़ी लेकर। और ग्वेन को तब उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे, और इसीलिए जोएन वहां से भागने की कोशिश करती है और वो अपने कार्ड्स के जरिए अपने आसपास के लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। लेकिन ये बात डेविड को पता चल जाती है और वो गुस्से में अचानक से आकर ग्वेन के फेस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसे मार डालता है। और सामने पड़ने वाले हर उस व्यक्ति के साथ भी वो वही कर रहा था, और साथ ही साथ वो वहाँ से भाग कर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहा होता है, और वह पूरी शिप को खून से लथपथ कर देता है, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक दृश्य होता है। और जब बाकी के क्रू मेंबर्स इसके बारे में कैप्टन को बताते हैं कि डेविड को किसी ने पोजेस किया है, तब इसके बारे में कैप्टन को सब कुछ ज्ञात होता है। और प्रेजेंट की स्टोरी में एनी और पैट्रिक उस शिप में असल में किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए थे, बल्कि अपने बेटे लूकस की आत्मा को घर ले जाने के लिए आए थे। और वो कैप्टन भी सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो उन्हें कोई प्रोजेक्ट देगा, और असलियत में उसने उन्हें लूकस के साथ में बुलाया था ताकि जैकी की आत्मा वापस से शिप में आ जाए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जिन जिन का भी मर्डर हुआ था डेविड के हाथों असलियत में उनकी बलि चढ़ी थी, तो इसलिए उनके स्पिरिट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उन्हें के सेक्रीफाइस से शिप नई जैसी बनी हुई थी। और हमें कैप्टन का बिहेवियर भी थोड़ा गड़बड़ लगता है, क्योंकि वो हमेशा उसे शिप में रहता है उन आत्माओं के बीच में, और शायद ही कोई इंसान उसमें रह सके। और ये बात हमें इस सोच में डाल देती है कि कहीं कैप्टन भी तो पोजेस्ट नहीं है, क्योंकि जब पैट्रिक कैप्टन कैरेडिन की लगी हुई फोटो वाली वॉल तोड़ता है, तब कैप्टन बिटनर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि कहीं कैप्टन कैरेडिन की आत्मा ने तो कैप्टन बिटनर को पोजेस नहीं किया है। तभी तो वो उस शिप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा था, और अब तो उस शिप में मौजूद सारी आत्माएं अब एक तरफ से शिप से आज़ाद होने की मांग कर रही होती हैं, और उन्हें तब ज़रूरत थी सिर्फ एक जिंदा शरीर की। और पैट्रिक जब उस वॉल के उस पार जाता है, तब उन्हें लूकस का वही कैमरा मिलता है जिसमें काफ़ी सारे सबूत होते हैं शिप को कॉशियस बताने के लिए, और इसलिए वो उस कैमरे के रील को पुलिस को सौंपना चाहते थे। और तभी एनी लूकस की आत्मा को वहाँ पर देखती है और उसका पीछा करने के लिए भागती है, इसी वजह से वो दोनों तो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। और तभी कैप्टन पैट्रिक को पकड़ लेता है, और पैट्रिक तब कैप्टन के सामने वो रील दिखाकर कहता है कि इतने सबूत काफ़ी है उसे पुलिस के हवाले करने के लिए। लेकिन जब कैप्टन उसे ऐसा करने देगा, तब कैप्टन उनकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और पैट्रिक के ऊपर 2-3 गोलियां भी चलाता है, और तब पैट्रिक अपनी जान बचाने के चक्कर में वहां से भागने लगता है। तब एनी और पैट्रिक दोनों ही आत्माओं के जाल में फंस जाते हैं, और तब कैप्टन के ही जरिए हमें यह पता चलता है कि कैप्टन उस आत्मा के बारे में जानता है जिसने डेविड को पोजेस किया हुआ है, और वो बताता है कि फाउंडेशन सेक्रीफाइस एक प्रथा है जिसका सहारा लिया गया था उस क्वीन मैरी शिप को बनाने के दौरान, क्योंकि पुराने इंजीनियरिंग ट्रेडिशन के हिसाब से एक इंसान की बलि की सख्त ज़रूरत होती है ताकि बनाए हुए स्ट्रक्चर की मजबूती की गारंटी हो। और जब उस शिप को बनाया जा रहा होता है, तब उसके ओनिंग कंपनी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए उसे बनाने वाले चाहते थे कि वो शिप ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चले ताकि उन्हें इसके ज़रिए थोड़ा मुनाफा हो। तब इसके सेक्रीफाइस के लिए एडवर्ड क्लर्क नाम का वर्कर चुना गया, इस फैक्ट के बिना पर कि एडवर्ड ने मर्डर्स किए हैं और वो एक प्रिजनर भी रह चुका है। वो एक खतरनाक और परफेक्ट चॉइस है इस सेक्रीफाइस के लिए। और तब क्लर्क को वहाँ पर लाया जाता है और उसे वहाँ पर जिंदा दफन कर दिया जाता है एक मेटल के दीवारों के पीछे, ताकि शिप इजीली चल सके सालों साल और उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन उस वक्त शिप के मैकेनिज्म पर प्रेशर पड़ने की वजह से स्टीम रिलीज हुआ और उसी एक्सप्लोजन की वजह से बॉयलर की दीवारें फट गई, और वहीं पर एडवर्ड की बॉडी दफन थी, और इसलिए तब वो वहाँ से फरार हो गया और उसने डेविड के शरीर पर कब्जा कर लिया, और उसी के जरिए वो वहाँ से आज़ाद होना चाहता था। तब वो एक लाइफ बोट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन ये बात अच्छे से जानता था कि अगर क्लर्क की आत्मा उस शिप से बाहर भाग गई, वो शिप डूब जाएगा और सारे के सारे बचे हुए पैसेंजर्स तब मर जाएंगे। तब इसीलिए कैप्टन तब डेविड को शूट कर देता है ताकि उसकी आत्मा उस शिप को छोड़कर कहीं न जा पाए, और तब वो इसमें कामयाब भी हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और शिप वापस से ठीक ठाक चलने लगती है। और इतने लोगों की जाने जाने के बाद कैप्टन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसलिए वो खुद को भी हिल्ट में शूट कर लेता है कैबिन के अंदर जाकर। और प्रेजेंट की स्टोरी में ये पता चलता है कि लूकस जब खिड़की पर लटका हुआ होता है, तब जैकी ने एनी को बता दिया होता है कि जैकी ने लूकस के शरीर पर कब्जा किया हुआ है, और जैसे कि दो आत्माएं एक शरीर में नहीं रह सकती, जैकी की आत्मा ने लूकस के शरीर पर कब्जा कर लिया और लूकस की आत्मा तब शिप पर ही रह गई। और अब लूकस एनी को मैनिपुलेट करके अपने पेरेंट्स को भी शिप पर रुकने के लिए मजबूर कर देता है,
कि अब से वो सब वहाँ पर एक फैमिली की तरह ही रहेंगे। और तब सुबह होने के बाद एनी और पैट्रिक जैकी की फ़ोटो लेकर खुशी से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो कैप्टन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। तभी कैप्टन देखता है कि एनी और पैट्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता है, जो कैप्टन के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। लेकिन पुलिस ने एनी को क्यों गिरफ्तार किया था, ये बहुत ही हैरानी की बात होती है। और तब हमारे सामने ये रिवील होता है कि जैकी ने एनी के सामने अपनी सारी सच्चाई रख दी थी। एनी ने जानबूझकर लूकस को नहीं बचाया और उसने खिड़की बंद कर ली थी, और एक हिसाब से एनी ने लूकस को मारा था और उसने उसकी जान बचाने की कोशिश भी नहीं की, एक माँ होने के नाते भी। और एनी को ऐसा करते हुए उसके पड़ोसी ने देख लिया था और उसी ने पुलिस को इसके बारे में बताया। लेकिन ये बातें सुनते ही एनी बड़े ही वियर्ड तरीके से हंसने लगती है और उसे तब उसकी फॉर्चून कार्ड की याद आती है जिसमें सेक्रीफाइस लिखा हुआ होता है, और उसे तब ये समझ में आ जाता है कि शायद उनमें से किसी एक की बलि चढ़नी ही थी, इसलिए जैकी की चढ़ गई। बस ये सोचकर रैनी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है, और हम ये समझ सकते हैं कि उन आत्माओं के डील के हिसाब से अब एनी और पैट्रिक के शरीर में ग्वेन और डेविड की आत्मा थी, और एनी और पैट्रिक की आत्मा उसे शिप में रह गई, और अब उस हॉन्टेड शिप का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और ना ही वो आत्माएं कभी आज़ाद हो सकती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।